कुंडा गांव के केसकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछारपारा में तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक भाई बहन हैं। इधर घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और तहसीलदार ने तत्काल मौके पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत कछारपारा के सरपंच हेमलाल सोम की बेटी किंजल सोम उम्र 7 वर्ष और उनका भतीजा गुलशन सोम उम्र 4 वर्ष, पिता गोकुल सोम जो कि घर में खेल रहे थे और उनका पूरा परिवार के लोग धान बुआई करने खेत गए हुए थे। जब शाम को परिवार वाले घर पहुंचे तो घर में दोनों बच्चे नहीं थे। परिजनों व गांव वालों ने काफी देर तक आसपास बच्चों की तलाश की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तत्पश्चात परिजनों ने घर के पीछे स्थित तालाब के पास जाकर देखा तो दोनों बच्चे उसी तालाब में डूबे मिले। उसे देखते ही किसी तरह परिजनों ने दोनों को बाहर निकाला। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी जिसके बाद परिजनों ने केस काल एसडीएम और पुलिस को सूचना दिया। घटना की जानकारी लगते ही केस काल एसडीएम शंकरलाल सिन्हा, तहसीलदार आशुतोष शर्मा एवं नायब तहसीलदार दयाराम साहू मौके पर पहुंचकर परिजनों से मिले। एसडीएम ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए केस काल अस्पताल भेजने का निर्देश दिया जिस पर परिजनों ने शव वाहन से दोनों मृत बच्चों को केस काल अस्पताल पहुंचाया। सुबह दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करने के उपरांत शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।